नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 18-19 मार्च में खत्म होने वाला है और इसका मतलब असेसमेंट ईयर 19-20, तो हम लोग को प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज तीन फायदे, तीन टिप्स बताने जा रहा हूं, जो कि हमें अपने सीनियर सिटीजन माता पिता से टैक्स प्लानिंग के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहला ये कि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार हमारे माता पिता हमको अगर कोई भी पैसा या गिफ्ट या प्रॉपर्टी दे दें या हम उनको दे दें, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। ये पहला वाला टिप याद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई ठीक से व्यापार कर रहा है, 10 लाख के ऊपर अगर किसी का इनकम है, तो ऑलरेडी वो 30% इनकम टैक्स के रेंज में आ जाता है। अगर उसके बाद हर एक रुपए जो भी उसको कमाई होगी, वो सारे अमाउंट पे 30% टैक्स पे करना पड़ता है। माता पिता जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके पास नॉर्मली ऐसा कोई इनकम होता नहीं है। तो आपके पास आपके रूटीन बिजनेस या रूटीन इनकम के अलावा अगर कोई दूसरा इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल कैश है, कैश के अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर आपको 30% टैक्स लग गया। आप क्या करिए, वो वाले पैसे को अपने माता पिता के अकाउंट में ट्रांसफर करिए, ताकि वो पैसे उनके खाते में चले जाएं और लोअर इनकम स्लैब में 5%, 10%, 20% स्लैब में वो टैक्स हो जाएगा। तो आपका 30% टैक्स नहीं होगा, या तो 5% होगा, या 10% होगा, या 20% होगा। तो यहां पर आप सीधा सीधा टैक्स बचा जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट या कोई भी दूसरा इनकम जो आपको टैक्स देना पड़ता, वो अगर आपके माता पिता के पास जाता है, हो सकता है 1 रुपए भी टैक्स ना लगे। अगर टैक्स लिमिट के अंदर में वो एक लाख रुपए आ जाता है माता पिता के खाते में, तो 1 रुपए टैक्स ना लगे। अगर 5% में आता है, तो सिर्फ 5% के रेंज में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके माता पिता काफी टैक्स सेव कर सकते हैं आपका। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है इंटरेस्ट इनकम और दूसरे इनकम जनरेटिंग सोर्स, जैसे कैश या फिर रेंटल इनकम, तो ऐसी प्रॉपर्टी हम माता पिता के नाम पे रख सकते हैं। ऐसे कैश का FD या फिर ऐसा कोई रेगुलर इनकम जो हमारे पास बिना किसी प्रोफेशनल एफर्ट के आ रहा हो, वो रेगुलर इनकम हमारे माता पिता के पास अगर आ सकता है, अगर ऐसा पॉसिबल है, तो हमको वो कर देना चाहिए। तो 20 लाख रुपए तक का इनकम हम लोग आराम से अपने माता पिता में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि 20 लाख रुपए तक, 10 लाख माता का, 10 लाख पिता का, अगर 10 लाख मम्मी में डालेंगे, 10 लाख पापा में डालेंगे ना, तो भी टोटल टैक्स 2 ही लाख रुपए आने हैं एवरेज। लेकिन अगर वो हमारे में डालेंगे, तो उसका सीधा 30%, इसका मतलब 6 लाख रुपए हमको टैक्स देने पड़ेंगे 20 लाख रुपए के ऊपर। तो ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम अपनी प्रॉपर्टी या फिर इनकम जनरेटिंग सोर्स को माता पिता के नाम पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो शिफ्टिंग पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उल्टा वो जो इनकम उनके पास जाएगी, वो कम टैक्स रेंज में अगर आता है, तो आपको सीधा सीधा बेनिफिट हो सकता है। वो बेनिफिट 30% से लेके 10% तक बेनिफिट होना ही होना है, राइट? सेकेंड वाला पॉइंट है कि माता पिता को जो ब्याज का इनकम मिलता है, इंटरेस्ट इनकम मिलता है, वो इंटरेस्ट इनकम में 50,000 रुपीज तक पे टैक्स नहीं कटता। इसका मतलब 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट अगर मम्मी या पापा को मिलता है, तो फिर उस पर 1 रुपए भी टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी का 50,000, पापा का 50,000, तो ये 1 लाख रुपए का आपको तुरंत सेविंग हो सकता है टैक्स का। और एक और तीसरा चीज मैं बताऊं कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप अपने मम्मी पापा का हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, या फिर हेल्थ में एक्सपेंसेस करते हैं, मान लीजिए वास्तविकता में करनी पड़ती है, तो फिर 50,000 रुपए पर हेड की आपको वहां भी छूट मिल सकती है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक्सपेंसेस कर रहे हैं जिसपे कोई छूट नहीं मिल रही है। तो आप 50,000 रुपए मम्मी के नाम पे, 50,000 रुपए पापा के नाम पे आप जरूर डालिए। तो उससे क्या हो जाएगा, उस 1 लाख रुपए पे भी टैक्स का सीधा सेविंग होगा, और वो 1 लाख रुपए वेस्ट नहीं हो रहे हैं, वो मम्मी या पापा के इलाज के लिए ही खर्च होने हैं। हम लोग उसके लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो कि हम लोग साल में वैसे भी खर्च कर रहे थे। तो दोस्तों, इस पहले वीडियो में मैंने बताया कि मम्मी पापा के नाम से हम लोग तीन बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या था कि आप इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी या कैश या इनकम का सोर्स अपने मम्मी पापा के नाम पे ट्रांसफर करें, तो वो इनकम
आपका टैक्स काफी कुछ बचा सकती है जो मम्मी पापा के पास जाएगा, क्योंकि वो लोअर टैक्स स्लैब में आते हैं। दूसरा ये कि इंटरेस्ट इनकम में 50,000 रुपए तक छूट है मम्मी और पापा को। आप मम्मी और पापा को जरूर इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर कराइए। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस भी 50,000 रुपए तक मम्मी और पापा को छूट है, तो ये तीनों चीज का बेनिफिट कराइए। तो दोस्तों ये टैक्स सेविंग मंथ है आप लोगों के लिए, टैक्स प्लानिंग मंथ है। इस टैक्स प्लानिंग मंथ का पूरा फायदा उठाइए मेरे वीडियोस का। ये तीन पॉइंट में आपको कुछ भी डाउट है आप तुरंत इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका जवाब देने के लिए बाध्य हूं और मैं हमेशा आप लोगों का हेल्प करते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।